हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम अपने कॉलर वाली कुर्ती बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना नेक की लंबाई चौड़ाई कितनी रखेंगे इस हिसाब से यहाँ हम बताएंगे। और यहाँ पर जो हमारा सामना है, इससे हमें हमने जो बैक कटिंग करी है ना, वो 1.5 इंच ज़्यादा कटिंग करी है। ये आपको कटिंग करना होगी 1.5 इंच ज़्यादा। अब हमें यहाँ पर जो अपने सामने का जो नेक कटिंग करना है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी दोस्तों? दोस्तों उसकी जो चौड़ाई हम रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच, और यहाँ पर इसकी जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 6.5 इंच। और इस तरीके से हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद जो भी कढ़ाई वाला आपकी यहाँ जो नेक होगा, उसको किस तरीके से बराबर से आप यहाँ पर कटिंग करेंगे, तो उसको आपको इस तरीके से कटिंग करना होगा। इस प्रकार रखेंगे, और रखने के बाद में यहाँ पर कढ़ाई के किनारे किनारे कैंची की नोक से इसको गड़ा लेंगे। इस प्रकार यहाँ ऊपर मिला के रखेंगे बकरम को, और मिला के रखने के बाद में यहाँ पर हम अपनी जो कढ़ाई की किनार किनार हम इसको इस तरीके से बुकरम पे निशान उठा लेंगे, और इसी के हिसाब से हमें अपने नेक को कटिंग कर लेना होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर निशान उठा लिए, जो हमारे निशान दिख रहे हैं हम उस पर इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। लगाने के बाद 1.25 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, और यहाँ पर हमारा नेक कटिंग हो जाएगा। दोस्तों हमने अपना नेक कटिंग कर लिया है, अब हमें इसे कपड़े पे जमा लेना है सिलाई लगा के। हमें यहाँ बीच सेंटर में लगा देना है एक सेंटर का कट इस तरीके से। यहाँ पर हम अपने गले के किनार पे इस बुकरम को रखेंगे इस तरीके से, जो हमारी ये कढ़ाई है यहाँ से, और इसे मिलाते हुए चले जाएंगे सिलाई लगाते हुए। ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जुड़ाई कर दी है। जुड़ाई करने के बाद हम यहाँ पर कॉलर कटिंग करेंगे। तो कॉलर कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर 11.5 इंच लंबा एक बुकरम का पीस लिया है, और उसको कर लेंगे डबल इस तरीके से। और हमने जो चौड़ाई ली है वो ली है यहाँ पर 1.5 इंच की, मगर इसे कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम इसको 1.25 इंच का ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ इसको कटिंग कर लेना होगा, और कटिंग करने के बाद नीचे से ऊपर से भी हल्का सा इसे ढाल दे देंगे, और यहां से कर देंगे गोल इस प्रकार। और गोल करने के बाद अब हम इसे किसी कपड़े पे चिपका लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम मशीन पे आके सिलाई करते हैं, पहले इसको हम चिपका लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहां पर कॉलर को चिपका लिया है। चिपकाने के बाद में अब यहां पर हम लगा देंगे सिलाई। सिलाई किस तरीके से लगाना है हमें, इस प्रकार।
सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद बुकरम के किनार किनार सिलाई लगा देंगे। अब इसका मार्जिन कटिंग कर लेंगे। मार्जिन कटिंग करने के बाद इस तरीके से इस साइड का भी कर लेंगे और इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद दोस्तों अब इस पर हम कर लेते हैं प्रेस इस तरीके जिससे अच्छे तरीके से जम जाए। हमने इस पर प्रेस लगा ली है। प्रेस लगाने के बाद हम कॉलर से नीचे को एक पैर का मार्जिन कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, यानी ज़्यादा करना है कॉलर से। अब हमें यहाँ पर 20 सेंटर में लगा देंगे कट। अब इसको हम कुर्ती में चढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अपने पीछे की साइड में भी 20 सेंटर में कट लगा लिया है और 20 सेंटर में जो हमने कट लगाया उससे हम अपने कॉलर का कट मिला देंगे सेंटर को बिल्कुल, और मिलाने के बाद में इसको चढ़ा देंगे। हमें एक कॉलर रखना है अंदर की साइड में इस तरीके से, ठीक है, और बाहर की साइड में इसको चढ़ना है। हमने आधा कॉलर इधर को चढ़ा लिया है। अब हम आधा कॉलर इधर से इधर की साइड में चढ़ाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दो आप, ठीक है। इस तरीके से हम यहां पर चढ़ा लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कॉलर को कच्चा कर लिया है, यानी कि एक सिलाई लगा ली है, ठीक है। उसके बाद में हम इस तरीके से इसका मार्जिन अंदर कर देंगे और इस साइड से दूसरी साइड तक अपनी सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपना कॉलर चढ़ा लिया है, ठीक है। कॉलर चढ़ाने के बाद में यहाँ पर धागे वगैरह कट कर देंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कॉलर पूरा कंप्लीट कर लिया। दोस्तों बहुत आसान है यहाँ पर कॉलर चढ़ाना। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर अगर कॉलर चढ़ाएंगे तो बहुत आसान तरीके से चढ़ जाएगा। अंदर से भी यहाँ पर कोई कच्चा नहीं है, बिल्कुल अंडरग्राउंड यहाँ पर कॉलर चढ़ा है इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। तो सही तरीका जो कॉलर चढ़ाने का है वो यही है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से अंदर से कॉलर पूरा बना के और यहाँ पर ओवरलॉक कर देते हैं, वो कच्चा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी फिनिशिंग है। आप इस तरीके से अगर कॉलर चढ़ाएंगे तो बहुत ही जल्दी और अच्छी तरीके से सफाई से यहाँ पर चढ़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।